चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर आपको बता दें। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन बुधवार को होगा, यानी 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर जंक्शन से सुबह 11 बजे ये ट्रेन रवाना होगी। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी, इसका उद्घाटन 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, दौसा, सीकर, राजसमंद के सांसद भी मौजूद रहेंगे और ट्रेन बस्सी, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, खैरतल, रेवाड़ी, पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू, गुड़गांव और दिल्ली कैंट में रुकेगी। ये आपको बता रहे हैं जो इनॉग्रल स्पेशल ट्रेन वंदे भारत ट्रेन रवाना होगी 12 अप्रैल को, उससे जुड़ी हुई खबर है। और सबसे बड़ी चीज कि शताब्दी ट्रेन की तुलना में अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच 60 मिनट के समय में बचत होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज पर। धन्यवाद सर। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। जी। ये राजस्थान की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है जो कि पूरे भारत की 15वीं है और बहुत ही गर्व का विषय है कि राजस्थान में ये अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में संचालित होगी और इसका 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे जयपुर से वर्चुअल वीडियो लिंक के माध्यम से। माननीय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी जयपुर में मौजूद होंगे और जो जयपुर और अजमेर के सांसद हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद होंगे और एक बहुत ही बड़ी एक सौगात है राजस्थान वासियों के लिए, क्योंकि ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसके बहुत समय से इंतजार था राजस्थान के वासियों को और इसे बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। तो 12 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और 13 तारीख से इसकी नियमित सेवा शुरू की जाएगी। शशिकरण जी, शुरुआती तौर पर इसकी स्पीड क्या रहेगी, क्योंकि अगर बात करें तो 60 मिनट कम ही ले रही शताब्दी ट्रेन से। जी हाँ, इसका हमने टाइमिंग ऐसा प्लान किया है और हॉल्ट भी चूंकि इसके कम है तो हमने ऐसा प्लान किया है कि ये अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में ये लगभग 1 घंटे का समय जो है कम लेगी शताब्दी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण, जो इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। तो 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित तमाम सांसद जयपुर में मौजूद रहेंगे और राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी सौगात रेलवे की तरफ से ये हुई है और देश की पहली हाई राइज पेंटोग्राफ वंदे भारत है ये। बीते दिनों इसका ट्रायल किया गया था, सक्सेसफुल ट्रायल के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे और 14वीं वंदे भारत ट्रेन जयपुर अजमेर वासियों के लिए अब दौड़ेगी।